शोपियन, तो जो साउथ कश्मीर में पड़ता है, तो वहाँ के हालात जैसे होते हैं उस चीज़ को लेके बहुत फेमस है। तो जो मैंने वहाँ से मैंने अपना जो क्रिकेट की जर्नी स्टार्ट की है कि जब मैं छोटी 8 साल की थी, 8-10 साल की थी, तब उस टाइम सोचा नहीं था मैंने कि आगे जाकर मैं कहाँ तक पहुँचूँगी। हर एक की विश ये होती कि मैं कंट्री के लिए खेलूं। तो जैसे हालात के बारे में आपको बताया कि कश्मीर में, जैसे वहाँ पे जो हमारा साउथ कश्मीर था पिछले तकरीबन 5-6 साल, 2008 से 2008 से तकरीबन 8 से लेके बंद ही रहा ज़्यादातर। कर्फ्यू लगता था वहाँ पे, कहीं पे निकल नहीं पाते थे हम, कि क्रिकेट हम तब खेल सकते जब हमारे पास फैसिलिटीज होंगे, जब हम ग्राउंड में तकरीबन अगर 5 घंटे 6 घंटे प्रैक्टिस नहीं करें, 1 घंटा तो होना होना चाहिए ग्राउंड। तो वो चीज़ें थे नहीं मेरे पास, वो चीज़ें नहीं है मेरे पास। तो अभी भी वहाँ पे जो है, अभी भी वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं लड़कियाँ। तो वहाँ पे अभी भी लड़कियों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है कश्मीर में। हालात, एक तरफ से हालात थी, एक तरफ मेरी जर्नी थी, एक तरफ मेरे घर के जो इकोनॉमिकली प्रॉब्लम थी। तो फिर उसके बाद मैंने छोड़ दिया बीच में। तो मैंने सोचा नहीं, ये तो अब हो गया, कुछ पढ़ाई पढ़ाई करेंगे। तो फिर एक सर मेरे घर आए थे, वो मेरे स्कूल टीचर थे, PET। तो उन्होंने बोला, आपने क्रिकेट क्यों छोड़ा है? मैंने बोला, सर क्रिकेट क्यों छोड़ा, तो आगे मेरे को दिखता ही नहीं कुछ फ्यूचर है कि नहीं है, तो ऊपर से मेरे पास कुछ भी है नहीं, तो मैं आगे जाके क्या करूं? ये मेरे पास किराया नहीं है श्रीनगर जाने के लिए। तब ज़्यादा किराया नहीं लगता था, आने जाने में 150 रुपया लगता था। मैंने बोला, इतना मेरे मेरे पापा एक दिन में मजदूरी करके कमाते नहीं है 150। तो मेरे पापा ने मेरे उस टाइम इतना बोला कि आप चिंता मत करो, मैं तो जाता हूँ, जितना भी मेरे को मिलता है उससे आधा मैं आपके लिए रखूँगा। तो क्योंकि मेरे पापा का भी बहुत सपोर्ट मिला यहाँ तक पहुँचने के लिए, मैं ये क्रेडिट ज़्यादातर 99% 95% अपनी अपने पेरेंट्स को दे देती हूँ, कि उन्होंने मेरे को कभी रोका नहीं, उन्होंने मेरे को कभी ये नहीं बोला कि आप क्यों खेल रहे हैं। क्योंकि जबकि उनको सुन बहुत सारे लोग कश्मीर में हैं कि जब कोई भी जाते थे वो यही बोलते थे पहले कि लड़की को क्यों भेजना उधर, लड़की का ये तो गेम ही नहीं है, लड़की का गेम है, लड़की उनको पढ़ाओ, 8वीं 10वीं तक बिठाओ घर। तो मेरे पापा मेरी मॉम ने ये सारे बातें सुने, लोगों से सुने, उन्होंने उनका ये इतना जवाब था कि हमारी बेटी, हमें पता है, हमें उन पे पूरा यकीन है, ये हमारा नाम रोशन करेगी एक ना एक दिन, तो आप हमें मत समझाइए। फिर जब वो सर आए थे मेरे घर, उन्होंने बोला, जो भी खर्चा लगे, जूते जो भी होगा मैं दे देता हूँ। तो फिर मैंने फिर उसके बाद 2012 से स्टार्ट किया था खेलना। वहाँ का जो मैं अपने जो शोपियन है, वहाँ के फोन आते रहते मेरे को, तो सब लोग पहले ये बोलते, आप खेलो आप खेलो। जिस दिन हमारा पहला मैच था, उस दिन जितने भी आसपास के जो हमारे शोपियन के जितने भी गांव हैं, तो बहुत सारे गांव जो लड़के हैं, खास तौर पर लड़के और दोनों ने, सब लोगों ने अपनी जो वहां पे ज़्यादा इंटरनेट इंटरनेट चलता नहीं, उन्होंने अपनी GP जो है सेव करके रखी है। तो उन्हें इसलिए सेव करके, क्योंकि मेरा हर एक दिल्ली कैपिटल का हर एक मैच देखते हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल का इस मैच इसलिए देखते हैं, वो सीधे ये बोलते हैं कि दिल्ली कैपिटल में आपको हम इसलिए मैच देखते हैं, तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारा सपोर्ट तब तक रहेगा जब तक आप ट्रॉफी लेके नहीं आओगे। तो